IGL लिमिटेड। इंडिया का गैस सेक्टर के अंदर नंबर वन कंपनी माना जाता है IGL लिमिटेड को। और हाल ही में गैस सेक्टर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ 2030 आते आते ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, ऐसा मानना है। और स्पेशली IGL लिमिटेड की बात करें, इसका प्राइस बहुत नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि IGL लिमिटेड के ऊपर ब्रोकरेज फर्म का क्या क्या राय दिया है, क्या क्या यहाँ पे राय दिया है, और साथ ही साथ जानेंगे कि IGL लिमिटेड को लेके ब्रोकरेज फर्म का क्या क्या मानना है, और साथ ही देख लेंगे टारगेट प्राइस भी, कैसा टारगेट प्राइस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आप देखेंगे तो वो आपको रेवेन्यू वाइज अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी दिखाई दे रही है। इवन लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट मरते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन है वो श्रिंक होते हुए आप देख पा रहे हैं। इसके पीछे का मेन रीजन है कंपनी का जो नेचुरल गैस का प्राइस है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो वो एक कंसर्न जता रहा है IGL लिमिटेड कंपनी के ऊपर। तो अभी देख लेते हैं कि IGL लिमिटेड को लेके ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि IGL लिमिटेड को लेके यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि IGL लिमिटेड को आप बाय करके चल सकते हैं, और टारगेट प्राइस दिया गया है यहाँ पे 662 का, जो आगे आने वाले एक साल के अंदर अचीव हो सकते हैं। इसका पीछे का रीजन देते हुए प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि मार्केट जिस तरह से प्रेशर में था पैंडेमिक के कारण, वो धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है, वो फायदा IGL लिमिटेड को मिलेगा। साथ ही साथ IGL यहाँ पे जियोग्राफी वाइज बहुत तेजी से एक्सपेंशन भी कर रहे हैं अपने बिजनेस को, स्पेशली आप देखेंगे PNG रिलेटेड बिजनेस, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेगा IGL के ऊपर। साथ ही साथ इंडस्ट्री के अंदर जो गैस का डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब कारण के चलते प्रभुदास लीलाधर ने यहाँ पे बाय का रेटिंग दिया है, टारगेट दिया है 662 का। लेकिन अब इंडियन ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का माने तो उसने कहा है कि ये अंडर परफॉर्मेंस करते हुए आप देख पाएंगे आगे आने वाले कुछ सालों के लिए, और टारगेट दिया है 450 का आगे आने वाले एक साल के लिए, और इसका जो न्यूट्रल जो टारगेट है जो ब्रोकरेज फर्म का राय है वो न्यूट्रल देते हुए आप देख पा रहे हैं। तीसरा जो एक टारगेट दिखाई दे रहा है वो गोल्डमैन सैक के द्वारा दिया गया है, और टारगेट दिया है 380 रुपीज़ का। यहाँ पे बोला गया है कि गोल्डमैन सैक ने कहा है कि इसको आप सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर मार्जिन का प्रेशर तो है ही, उसी के साथ कंपनी के अंदर जो नेचुरल गैस का प्राइस का प्रेशर है वो भी बना रह सकता है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। साथ ही साथ आपका जो ईवी का पॉलिसी है दिल्ली के अंदर जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो भी एक कारण गोल्डमैन सैक के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद चौथा जो ब्रोकरेज फर्म है यहाँ पे CLSA, उसका कहना है कि ये जो टारगेट है 450 का रखा गया है, और पहले जो टारगेट था 540 का दिया है वो थोड़ा सा घटाते हुए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन आपका IGL लिमिटेड को लेके CLSA का यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है कि कहा है कंपनी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस करते हुए आप देख पाएंगे, लेकिन रिसेंट कंडीशन में शॉर्ट पीरियड के अंदर कंपनी के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बनते हुए आप देख पाएंगे। साथ ही साथ CLSA ने यहाँ पे जो नेचुरल गैस का प्राइस है उसके ऊपर भी कंसर्न जताया है, साथ ही साथ डोमेस्टिक गैस का प्राइस भी एक कारण यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद पांचवा जो ब्रोकरेज फर्म है यहाँ पे जेफरीज, उसका कहना है ये शेयर को आप बाय करके चल सकते हैं, और टारगेट दिया है 620 रुपीज़ का। इसके पीछे का मेन कुछ रीज़न है कंपनी ने यहाँ पे लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं PNG रिलेटेड, तो वो एक कारण यहाँ पे दिया है। साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज़ कर रहा है, तो वो भी एक कारण है जेफरीज का कि IGL लिमिटेड के लिए। अगर आप IGL लिमिटेड को वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो पिछले 5 साल का लोअर PE में ये ट्रेड कर रहे हैं, तो रिसेंटली कंपनी का जो PE है 18 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, और इसका मीडियम PE है 5 साल का 30, तो ये बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव एंड फेयर वैल्यूएशन में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा कर्जा है नहीं, तो कंपनी फ्यूचर के लिए अच्छा है। लेकिन रिसेंट कंडीशन में जो EV का पॉलिसी है थोड़ा सा कंपनी का प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगा ये ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्म का भी मानना है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद ही निवेश कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।